अस्सलाम वालेकुम। छः बज रहे हैं सुबह के, रात की सोई नहीं, नाश्ता करवाने का लालच, एक जो लालच होती है ना, लालच के नाश्ता मैं करवाऊंगा आज होती है। वो दे के भाई ने बुलाया, ये भाई इस भाई ने, ये भाई ने हमने बस लाओ ये, और लालच रास्ते में पहुंच गया। भाई कहते हैं पैसे नहीं, ये क्या है, सुबह 6 बजे रात की सोई नहीं है यार, ये एडवेंचर ये भी यार, प्रोटेस्ट पे भी हमने जाना है, प्रोटेस्ट पे भी जाना है अभी बिल्कुल। तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक, नाश्ता करने के बाद, नाश्ता करने के बाद नहीं, पहले भाई को सरप्राइज भी देना, वो बाद में सरप्राइज भी देना, सरप्राइज टाइम मिलते हैं उसके बाद, आप ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा जी, तो ये प्रोटेस्ट शुरू हो गया, ये हमारे चाहिए में, ये मैं हूं, हमें जो भी है ना, नहीं भावे ये बोर्ड तैयार हो रहे हैं, ये क्या बोर्ड, बोर्ड नाइस बोर्ड, एग्जाम बड़ा करके लिख नीचे, ये हमारे हैं सलू है भाई, एटलीस्ट छोटा करके लिखा है, वो वक्री गल मैंने भी पहला नहीं समझ आई, सारे कैदी ने, मेरा मतलब सारे प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। We want justice. Cancel all board exam. इसकी नहीं समझ आई, मेरा अपना 150 सब्सक्राइबर है, तेरा माना जाता है, तेरा माना जाता है, नहीं चलेगी, 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 शोरिंग इग्नोर करिएगा, यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके क्या मुतालबात है जो अभी तक हुकूमत मान नहीं सकी, क्या उनके इतने ही मुश्किल मुतालबात है जो हुकूमत मान नहीं सकी, अब हम उनसे पूछेंगे अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है सर, आप इसके यहाँ पे प्रोटेस्ट करें, क्या मुराद है आपका, किसी जब आपको प्रोटेस्ट करना पा रहे हैं, प्रोटेस्ट इस वजह से कर रहे हैं कि हमने अपील की थी एजुकेशन मिनिस्टर साहब से कि हमें स्कूल का सब्जेक्ट जो है ना वो दे दिए जाए, ताकि जो इसका पूरा साल भी जो पेंडेमिक की वजह से ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, बच्चों की पूरी तैयारी हुई, मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मेंटल प्रेशर पूरी याद की प्रेस है, कोई किसी का कुछ नहीं जा सकता कि कौन कितने पानी में है, कौन कितनी तैयारी करके है, कितना एग्जाम है। आपका प्रोटेस्ट कामयाब क्यों नहीं हो रहा, आपके क्या इतने मुश्किल मुतालबात हैं, हमारे मुश्किल मुतालबात ही आपसे पेपर एक्सप्लेन करने में
पुलिस वाले कह रहे हैं कोई फायदा नहीं है इधर खड़े होने का, बेशक 2 घंटे खड़े रहो 4 घंटे खड़े रहो, किसी ने आपकी बात नहीं सुननी। डीसी ऑफिस के सामने जाके धरना करो, ये पुलिस वालों के अल्फाज थे। तो बड़ा बड़ी मेहनत की है, हेटी फंदे के मतलब बस की थी है, वो खड़े वैसे ऐसे जो के साथ था कि आपको भाई ने बात की है, वो क्या सुखा प्रोटोकॉल डाला उन्होंने मुझे, मैंने पर सुनी एक भी नहीं। तो अभी प्रोटेस्ट खत्म हो गया है, अब अगर हमारी ना मानेगी तो कल ये डीसी ऑफिस। और तो जैसा कि आज मैंने आपको सारी कमी दी है, इस लिहाज से अगर आपको कोई भी जो है कमी आपको चाहिए हो, आपका आवाज़ को उठाना हो, तो आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर इस माइक से ले सकते हैं। उसके अलावा हम मीडिया वाले आपके साथ काम करेंगे, आपकी जो आवाज़ है उसको मजीद हाई पोजिशन तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे।